हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनेमिक मैथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4B फ्रॉम RS अग्रवाल क्लास 10 का। तो ये क्लास 10 का जो एक्सरसाइज 4B है, ये आपका सिलेबस में इस बार डिलीट है। वैसे आप पढ़ सकते हो, बट इस बार का जो सिलेबस है, जो आपका CBSE बोर्ड एग्जाम 2024 होने वाला है, उसमें ये जो सिलेबस है एक्सरसाइज 4B, वो आपका पूरा कम्प्लीटली डिलीट है। बस आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपको पढ़ना है, तो ये आप आराम से कर सकते हो ये क्वेश्चन को, चूँकि इसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो अभी जो मैं अगला एक्सरसाइज पढ़ाने वाला हूँ, वो एक्सरसाइज में मैं आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना सिखा दूंगा काफ़ी अच्छे से। और ये जितना सारा आगे में इतना सारा जो क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज ये 4B का, तो ये पूरा एक्सरसाइज जो है ये एक्सरसाइज नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। अगर आपको एग्जाम में अगर आपको ऐसे बनाना हो, ठीक, तो अगर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठा के अगर पूछ देता है, तो ये जितने भी क्वेश्चंस है सबको आप फैक्टराइज करके बना सकते हो। बट आपको फैक्टराइज करके बनाना है, ओके। आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज नहीं करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके ये जो एक्सरसाइज है वो इस बार का सिलेबस में डिलीट कर दिया गया है। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस एक्सरसाइज को आप नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 4C। ये जो एक्सरसाइज है 4C, ये आपको पूरा पढ़ना है। तो मैं इसमें आपको पूरा एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन एक एक कंसेप्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल 32 क्वेश्चन है। 2 से 3 वीडियो में ये पूरा जो 32 क्वेश्चन है मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, चूँकि इस चैनल पर आपको RS अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन हर एक एक्सरसाइज का स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक्स भी जरूर कीजिएगा, ओके। तो चलिए देखिए, कोई एक्सरसाइज 4C है। तो ये जो एक्सरसाइज 4C है, इसको 4C को पढ़ने से पहले आपको 3 कंडीशन है, वो तीनों कंडीशन को आपको अच्छे से याद रखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कंडीशन नंबर 1 को। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन दिया गया है, सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स को हम लोग पढ़ते हैं। तीन तरह का नेचर ऑफ रूट्स होता है। तो पहला जो नेचर ऑफ रूट्स होता है वो होता है आपका D > 0। अगर D का वैल्यू बड़ा है 0 से, तो वो रियल एंड अनइक्वल होता है। ये आपको याद रखना है, इसको आप दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए ये तीन कंडीशन को। तो अगर D > 0 होगा, यानी D का वैल्यू अगर बड़ा होता है, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा हमारा, रियल एंड अनइक्वल होगा। D = 0 अगर होता है तो वो रियल एंड इक्वल होगा। D का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, याद रखिएगा। D का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, ओके। तो D का मतलब जब यहाँ डिस्क्रिमिनेंट हो रहा है, तो D का वैल्यू जब बड़ा होता है 0 से, तो वो रियल एंड अनइक्वल होगा। D का वैल्यू अगर इक्वल आता है 0 के, तो वो रियल एंड इक्वल आएगा। और D का वैल्यू अगर स्मॉलर आएगा 0 से, यानी कि आपका वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया, तो वो क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया। D का वैल्यू क्या हो गया, छोटा हो गया 0 से, चूँकि आपका वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो वो क्या होगा, नो रियल रूट्स होगा। तो ये तीन कंडीशन आपको अच्छे से याद कर लेना है। पूरा 4C का एक्सरसाइज बनाने के लिए आपको हर एक क्वेश्चन में ये तीनों कंडीशन का यूज करेंगे हम लोग। D > 0 हो तो रियल एंड अनइक्वल होगा, D अगर इक्वल होगा 0 के तो रियल एंड इक्वल होगा, और D अगर छोटा होगा 0 से, यानी कि आपका वैल्यू अगर नेगेटिव आता है, तो वो नो रियल रूट्स होगा। तो ये तीन कंडीशन आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है 6 क्वेश्चन, इसमें आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। तो मैंने आपको अभी बताया कि नेचर ऑफ रूट्स जो है वो 3 तरह का होता है, तो तीनों में से कोई एक नेचर ऑफ रूट्स होगा हर एक क्वेश्चन का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं कि इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग सबका क्या करेंगे, कोफिशियंट को लिख लेंगे। तो कोफिशियंट आपको मैंने अच्छे से सिखा चुका है एक्सरसाइज पॉलिनोमियल से, मैं आपको कोफिशियंट लिखना सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ए का वैल्यू को लिखेंगे, किसका वैल्यू, ए का। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट हमेशा ए का वैल्यू होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 2 है, तो ए का वैल्यू 2 हो गया। फिर बी में हम लोग एक्स का कोफिशियंट को लिखते हैं, तो एक्स का कोफिशियंट -8 हो गया। और सी में हम लोग कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं, तो कांस्टेंट टर्म 5 हो गया। आपको सबसे पहले ए का, बी का और सी का वैल्यू को आपको निकाल लेना है। उसके बाद हम लोग डी निकालेंगे। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, B² - 4AC, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करते हैं सबका वैल्यू को। तो बी का वैल्यू हो गया -8, स्क्वायर लगा हुआ है, -4 इंटू में ए, ए का वैल्यू 2 हो गया, इंटू में सी, सी का वैल्यू 5 हो गया।
अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, माइनस एट का स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस कभी भी स्क्वायर में होगा तो माइनस हट जाएगा, माइनस 4 टू जाए 8 और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। अब 64 में अगर हम 40 को माइनस करते हैं तो 24 आएगा, यानी d का वैल्यू जो है वो बड़ा आ गया 0 से, d का वैल्यू क्या आ गया ग्रेटर आ गया, किससे 0 से। तो इसका नेचर ऑफ रूट क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सो द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। मैंने आपको क्या बताया अभी, डी का वैल्यू कभी भी अगर बड़ा होगा तो उसका नेचर ऑफ रूट्स हमेशा रियल होगा और अनइक्वल होगा, ये आपको याद रख लेना है तीन कंडीशन में। तो डी का वैल्यू क्या आ गया, बड़ा आ गया, क्यों, चूंकि ये 24 आया है, डिस्क्रिमिनेंट कितना आया है 24, अगर डिस्क्रिमिनेंट बड़ा होता है जीरो से तो उसका नेचर ऑफ रूट हमेशा रियल एंड अनइक्वल होता है। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को भी वैसे ही बनाना है, तो सबका कोफिशियंट को पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ए का वैल्यू को लिखते हैं, तो ए में हम लोग एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट को लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 3 हो गया। बी में एक्स का कोफिशियंट को लिखेंगे, तो एक्स का कोफिशियंट -2√6 हो गया, -2√6, और सी में कॉन्स्टेंट टर्म 2 हो गया। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, तो b का वैल्यू -2√6 हो गया, -2√6 स्क्वायर लगा हुआ है, -4 इंटू ये 4 हो गया, इंटू में a का वैल्यू 3 है, इंटू c का वैल्यू 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, -2 का स्क्वायर कितना होता है, -2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस कभी भी स्क्वायर में होगा तो माइनस हट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इंटू में देखिए √6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6 होता है, अब 4 को 6 से इंटू करेंगे तो 24 हो जाएगा, यानी इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 24 आएगा, 24 माइनस में 4 3 12 और 12 को 2 से इंटू करेंगे तो 24 आएगा, यानी कि 24 में 24 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। जब ये हमारा 0 आ गया इसका मतलब d जो है वो इक्वल आ गया किसके 0 के, हम लोग किसका वैल्यू निकाले हैं ये d का डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 0 आ गया, यानी d किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया। तो मैंने आपको तीन कंडीशन बताया है, तो तीन कंडीशन में ये कौन सा कंडीशन आ गया d इक्वल टू 0, तो हमारा रूट ऑफ इक्वेशन नेचर ऑफ रूट क्या हो जाएगा रियल एंड इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे सो द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। कभी भी अगर आपका d का वैल्यू 0 आता है तो नेचर ऑफ रूट हमेशा रियल और इक्वल आता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। तो देखिए थर्ड नंबर में यहाँ पर बोला गया है 5x² - 4x+1। सबसे पहले हम लोग सबका कोफिशियंट को लिख लेते हैं, तो a में x स्क्वायर का कोफिशियंट 5 हो गया, b में x का कोफिशियंट -4 हो गया और c कॉन्स्टेंट टर्म 1 हो गया। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, तो b का वैल्यू हो गया -4 स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस में 4 इंटू में a का वैल्यू 5 हो गया, इंटू में c का वैल्यू 1 हो गया, -4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस स्क्वायर में हो तो माइनस हट जाएगा, -4 5 20 21 20, यानी कि 16 में हम लोग 20 को माइनस करेंगे तो माइनस में 4 आएगा। तो आपका जो वैल्यू है वो किस में आ गया नेगेटिव आ गया। जब आपका वैल्यू नेगेटिव आता है इसका मतलब ये क्या है 0 से छोटा है। कभी भी अगर आपका वैल्यू नेगेटिव आता है इसका मतलब होता है कि ये जो है वैल्यू -4 जो है वो क्या है 0 से भी छोटा है। जब 0 से भी छोटा हो गया तो डी से तो बड़ा हुआ नहीं, डी के इक्वल भी नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया डी से बिल्कुल छोटा हो गया। तो ये नेचर ऑफ रूट क्या हो जाएगा मेरा डी जो है वो बिल्कुल छोटा हो गया 0 से, यानी ये मेरा कंडीशन आ गया, आपका नेगेटिव आएगा तो ये कंडीशन होता है। तो इसका नेचर ऑफ रूट क्या होता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सो द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज नो रियल रूट्स। तो कभी भी आपका वैल्यू अगर नेगेटिव आता है इसका मतलब डी जो है वो स्मॉलर हो जाएगा 0 से, तो आपका जो नेचर ऑफ रूट होगा वो नो रियल रूट्स का होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर
थर्ड तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है 5x इंटू में x माइनस 2 प्लस 6। तो ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी नहीं बना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा स्टेप बाय स्टेप सारा एक्सरसाइज मैं आपको एग्जाम तक बताने वाला हूँ। आपको पूरा क्लास 10 का जो मैथ्स है वो पूरा आपको इतना कंप्लीट करा दूंगा कि आपका एग्जाम में 95 से नीचे बिल्कुल नहीं आएगा। मैं आपको कोशिश करूंगा कि एग्जाम में आपका सीबीएसई बोर्ड में 95 प्लस मार्क्स आपका आए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर होगा, माइनस 5x को 2 से इंटू करेंगे तो 10x होगा, और प्लस में 6 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। सबसे पहले हम लोग सबका कॉफिशियंट को लिख लेते हैं। a में x स्क्वायर का कॉफिशियंट 5 हो गया, b में हम लोग x का कॉफिशियंट लिखते हैं -10, और c में कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं जो कि 6 है। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब इस पर हम लोग पुट कर देते हैं, तो b का वैल्यू -10 है तो माइनस में 10 स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 5 हो गया, इंटू में सी का 6 हो गया, तो 10 माइनस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। माइनस कभी भी स्क्वायर में हो तो माइनस हट जाता है, माइनस 4 5 20, और 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 120। अब दोनों का अगर हम माइनस करते हैं तो माइनस में 20 आएगा। तो ये देखिए, ये भी मेरा जो वैल्यू है वो किस में आ गया, नेगेटिव में आ गया। नेगेटिव में आ गया इसका मतलब क्या हुआ, ये जीरो से छोटा है। नेगेटिव का मतलब ये जीरो से भी छोटा है, जीरो से भी छोटा है तो नेचर ऑफ रूट मेरा क्या होगा, ये हो जाएगा। तो नेचर ऑफ रूट क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे सो दी रूट्स ऑफ इक्वेशन इज नो रियल रूट्स। तो ये क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स होगा, क्योंकि ये मेरा नेगेटिव आ चुका है। चलिए 5 नंबर को देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो सबसे पहले हम लोग सबका कोफिशियंट को लिख लेते हैं। तो ए में लिखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 12 हो गया। बी में लिखते हैं एक्स का कोफिशियंट जो कि -4√5 है, -4√5। और सी में लिखते हैं कॉन्स्टेंट टर्म को, तो कॉन्स्टेंट टर्म 5 हो गया। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac, इस पर पुट कर देते हैं। बी का वैल्यू -4√5 है, स्क्वायर लगा हुआ है, -4 इंटू में ए का वैल्यू 12 हो गया, इंटू सी का वैल्यू 5 हो गया। अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, माइनस कभी भी स्क्वायर में हो तो माइनस हट जाएगा, ये आपको पता है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इंटू में √5 का स्क्वायर 5 होता है, तो 16 को 5 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 5 80 हो जाएगा, कितना होगा 80 होगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, तो एक सेकेंड, यहाँ पर आपका मिस्टेक हो गया। बी का जो वैल्यू है ना वो -4√15 है, यहाँ 15 है, सॉरी ये 15 हो गया। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, -4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 15 का स्क्वायर √15 का स्क्वायर 15 होगा, ये 15 है। अब 16 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 240 माइनस, अब 5 को 4 से इंटू करेंगे तो 20, और 20 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा, यानी कि दोनों में आ गया 240। अब 240 को 240 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इसका मतलब D जो है वो इक्वल आ गया किसके, 0 के। तो D जब इक्वल होता है 0 के, तो नेचर ऑफ रूट क्या होता है, रियल और इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे रियल एंड इक्वल। अब पूरा सेंटेंस बना के लिख लीजिएगा, द नेचर ऑफ रूट्स इज रियल एंड इक्वल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर क्या बोला गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबका कोफिशियंट को लिख लेते हैं। तो कोफिशियंट में हम लोग सबसे पहले a को लिखते हैं, तो a में हम लोग एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिखते हैं। b में x का कोफिशियंट, तो x का कोफिशियंट यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, बट माइनस लगा हुआ है तो -1 हो जाएगा। c में कॉन्स्टेंट टर्म जो कि 2 दिया हुआ है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac, तो b का वैल्यू हो गया -1, तो माइनस में 1 स्क्वायर लगा हुआ है, -4 इंटू में a का वैल्यू 1 हो गया, इंटू में c का वैल्यू 2 हो गया,
माइनस कभी भी स्क्वायर में हो तो माइनस हट जाता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। माइनस 4 वन जा 4 और 4 टू जा 8, दोनों को माइनस करते हैं तो माइनस 7 आएगा। इसका मतलब ये क्या है, जी माइनस में आ गया, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, जीरो से भी छोटा हो गया। इसका मतलब डी स्मॉलर हो गया जीरो से, ये आपका कंडीशन आ गया। तो ये जब भी आता है तो इसका नेचर ऑफ रूट क्या होता है, नो रियल रूट्स होता है। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे, इट इज़ नो रियल रूट्स, हम लोग यहाँ लिख देते हैं नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ये क्या होगा, नो रियल रूट्स होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का, 6 का, 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। आपको क्या करना है, यहाँ पर कौन सा कंडीशन अप्लाई करना है आपको, नो रियल रूट्स। ओके, तो नो रियल रूट्स कब होता है, जब हमारा वैल्यू जो है वो जीरो आता है, सॉरी जीरो से कम आता है, मतलब नेगेटिव में आता है। यहाँ पर कौन सा बोला है इक्वेशन आपको नेचर ऑफ रूट अप्लाई करने के लिए, नो रियल रूट्स, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि यहाँ नो रियल रूट्स बोला है, मतलब डी से, डिस्क्रिमिनेंट से छोटा होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट से छोटा कब होगा, जब जीरो से भी छोटा आएगा, वो वैल्यू आपका जीरो से भी छोटा आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा। तो हमको आंसर इसको सॉल्व करके क्या करना है, नेगेटिव में लाना होगा। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबका कॉफिशेंट को लिख लेते हैं। तो सबका कॉफिशेंट चलिए लिखते हैं पहले ए का वैल्यू। तो ए में हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट कितना हो गया, 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी में लिखते हैं हम लोग एक्स का कॉफिशेंट। तो एक्स का कॉफिशेंट हो गया 2 इंटू में ए प्लस बी। उसके बाद लिखते हैं हम लोग सी को। तो सी में हम लोग कॉन्स्टेंट टर्म को लिखते हैं जो कि 1 दिया हुआ है। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं जो होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबका वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करते हैं। तो बी का जो वैल्यू है वो है आपका 2 इंटू में ए प्लस बी, स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोग स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस 4 इंटू में ए, ए का वैल्यू आपका हो गया 4ac होता है, तो ए का जो वैल्यू है वो सेम है आपका, ए का वैल्यू है आपका 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 4, ये हो गया ए का वैल्यू इंटू में सी का वैल्यू, इंटू में सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ 1 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए ये 2 का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो ये 2 का, ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ 4 लिख लेते हैं। और ये देखिए ये जो a प्लस बी है, a प्लस बी, ये स्क्वायर इसके लिए भी है, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और a प्लस बी का में, a प्लस बी का भी ये क्या है, स्क्वायर है, तो a प्लस बी का स्क्वायर, माइनस ये 4 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 टू जा 8 हो जाएगा, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, 1 से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया 4, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 8 को हम लोग इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8a स्क्वायर, ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8b स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए इस 4 को ये पूरे के साथ में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर होगा, प्लस 4 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b स्क्वायर होगा, प्लस 4 माइनस 8a स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं, माइनस 8b स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं। 4 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 को 2ab से मल्टीप्लाई कर दिए तो 8ab हो गया, ये पूरा एज इट इज रहा। अब क्या करेंगे, देखिए 4a स्क्वायर में 8a स्क्वायर माइनस करेंगे तो माइनस 4a स्क्वायर होगा, माइनस का साइन बड़ा है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 4b स्क्वायर में 8b स्क्वायर माइनस करेंगे तो माइनस 4b स्क्वायर होगा, माइनस का साइन बड़ा है। अब प्लस में 8a
बी होगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ कॉमन लेते हैं, तो ये सब में क्या कॉमन आएगा, माइनस फोर कॉमन आएगा। तो माइनस फोर को जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर में ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो फोर कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर बचेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। क्यों? चूँकि माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पर टू होगा, चूँकि फोर को टू से इंटू करेंगे तो फोर टू जा एट होगा। देखिए माइनस माइनस प्लस और फोर टू जा एट, और ये ए बी हो गया, ये हो गया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ ये हो गया माइनस फोर, ये क्या हो गया माइनस फोर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ये आगे और सॉल्व नहीं होगा। तो ये देखिए जो ये जो आपका वैल्यू आ रहा है वो किस में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, आपका जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आने का मतलब है कि ये क्या है, डी से छोटा है, यानी कि जो कंडीशन है वो आपका ये वाला कंडीशन बन रहा है। तो नेचर ऑफ रूट क्या हो जाएगा आपका, नो रियल रूट्स होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सो द इक्वेशन हैज सो रियल रूट्स, नेचर ऑफ रूट क्या होगा आपका, नो रियल रूट्स होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर टू। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री को हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बोला गया है, सो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो आर रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए कौन सा कंडीशन बोला है, रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या ये क्वेश्चन हो गया आपका, सबसे पहले तो हम लोग सबका कोफिशियंट को लिख लेते हैं। तो ए में लिखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, यहाँ कुछ नहीं है तो वन है। बी में लिखेंगे हम लोग एक्स का कोफिशियंट जो कि माइनस में पी है, और सी में कॉन्स्टेंट टर्म जो कि माइनस क्यू स्क्वायर है, माइनस क्यू स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो देखिए बी का वैल्यू हो गया माइनस में पी, तो माइनस पी का स्क्वायर हो गया, माइनस फोर इंटू ए, ए का वैल्यू वन हो गया, इंटू में सी, सी का वैल्यू माइनस क्यू स्क्वायर हो गया। तो माइनस कभी भी स्क्वायर में हो तो माइनस हट जाता है, इतना आपको पता होगा। तो ये केवल पी स्क्वायर का पी स्क्वायर रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फोर वन जब फोर, और फोर को क्यू स्क्वायर से इंटू करेंगे तो फोर क्यू स्क्वायर होगा। अब आगे ये सॉल्व नहीं होगा, इसका मतलब देखिए ये क्या आ गया मेरा आंसर आपका किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। ये पूरा जो है वो किस में आ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है डी का जो वैल्यू है वो बड़ा होगा जीरो से, या डी जो है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा जीरो से। ये दो कंडीशन आपको इसमें आएगा। ऐसा क्यों होगा, देखिए पी का वैल्यू अगर वन भी पुट करते हैं और क्यू का वैल्यू वन पुट करेंगे तो दोनों को प्लस करने पर मेरा वैल्यू जो है वो डी से बड़ा ही, डी जो है वो बड़ा ही आएगा जीरो से, या तो इक्वल आएगा। हम P और Q का कुछ भी वैल्यू अगर यहाँ हम पुट करते हैं, ध्यान से समझिएगा, P और Q का कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं, वन पुट करें, टू पुट करें, थ्री पुट करें, कुछ भी, तो आपका वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है। दोनों को यहाँ पर जो भी पुट करेंगे वो पॉजिटिव ही आएगा। तो D का वैल्यू या तो ग्रेटर आएगा या तो इक्वल आएगा, यही कंडीशन आपको यहाँ पर आ सकता है, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ कि आपका नेचर ऑफ रूट्स क्या बन रहा है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सो क्यू, पी और क्यू का ऑल रियल वैल्यूज जो है वो क्या होगा, रियल होगा, यानी कि डी का वैल्यू कुछ भी, सॉरी डी हमेशा बड़ा होगा या तो इक्वल आएगा, पी का कुछ भी और क्यू का कुछ भी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बोला गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है, आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, और नेचर ऑफ रूट क्या बोला है, रियल एंड इक्वल। इसका मतलब हुआ है सबसे पहले आपको क्या करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है। के का वैल्यू फाइंड करने के बाद में जो भी आपका के का वैल्यू आएगा उसको अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं तो आपका जो वैल्यू है वो हर हाल में क्या आएगा, डी के इक्वल आएगा, डी के क्या आएगा, इक्वल। तभी तो रियल एंड इक्वल आएगा। आपका नेचर ऑफ रूट जो है वो रियल एंड इक्वल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो हो। तो इसमें के का वैल्यू जो भी आपका आएगा और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम के का वैल्यू को पुट करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है वो जीरो के क्या आ जाएगा, इक्वल आना चाहिए, तभी आपका जो नेचर ऑफ रूट बनेगा वो रियल एंड इक्वल बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख के सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सबका कोफिशियंट को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ए में लिखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जो कि आपका थ्री है, बी में लिखेंगे एक्स का कोफिशियंट जो कि टू के है, और सी में लिखेंगे कॉन्स्टेंट टर्म जो 27 है।
डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब सबका वैल्यू को पुट करते हैं तो बी जो है वो 2k है, तो 2k का क्या हो जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है माइनस में 4 इंटू ए, ए का वैल्यू 3 है, इंटू में सी, सी जो है वो 27 है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और के स्क्वायर का के स्क्वायर रहेगा, माइनस 4 3 जब 12 हो गया, 12 को जब 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 आएगा, 324 आएगा। अब ये क्या है, 4k स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 324 इधर आएगा तो प्लस में 324 होगा। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए के स्क्वायर इक्वल टू 324 बाई में ये 4 चलाएगा। अब 4 के टेबल से इसको हम काटते हैं तो 4 8 जा 32 और 4 1 जा 4 हो गया, तो 81 आ गया। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 81 आया। के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 81। तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 81। जब ये स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर में क्या लग जाएगा, इधर आकर के रूट लग जाएगा। तो के इज इक्वल टू 81 का रूट कितना होता है, 9 होता है। 81 का रूट कितना होता है, 9। और कभी भी रूट अगर निकल जाता है तो वहाँ पर प्लस और माइनस लगाते हैं हम लोग, क्या लगाते हैं, प्लस और माइनस। तो के का वैल्यू कितना आ गया आपका, प्लस 9, और के का वैल्यू आ गया माइनस 9। ये आपका के का वैल्यू हो गया जो कि आपका आंसर निकालने बोल रहा था। अगर के का वैल्यू अगर हम यहाँ पर प्लस 9 पुट करें या माइनस 9 पुट करें और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डी का वैल्यू 0 के इक्वल ही आएगा हर कंडीशन में। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर बोला जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE में पूछा गया क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, आपको के का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अभी नहीं दिया गया है, इसको पहले चेंज करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल, इसमें भी आपको के का वैल्यू फाइंड करना है। और जब k का वैल्यू फाइंड हो जाएगा और इसमें जब हम k का वैल्यू इस इक्वेशन में k का वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो 0 के इक्वल आएगा, तभी आपका नेचर ऑफ रूट जो है वो रियल एंड इक्वल बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसको। तो ये है आपका क्वेश्चन, सबसे पहले इसको हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें हम लोग पहले चेंज कर लेते हैं। तो के एक्स को हम लोग एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर होगा माइनस के एक्स को हम लोग फिर 2√5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√5 के एक्स हो जाएगा। 2√5 को के एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√5 के एक्स होगा, प्लस में 10 है इधर, इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू कितना हो गया, ए में हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट को, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट के हो गया। उसके बाद में बी का वैल्यू को लिखते हैं तो बी में हम लोग एक्स का कोफिशियंट को लिखते हैं, तो एक्स का कोफिशियंट माइनस में 2√5 के है, माइनस में 2√5k माइनस 2√5k। और सी में लिखते हैं कांस्टेंट टर्म जो कि आपका 10 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर 10 लिख लेते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं तो होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो बी का वैल्यू हो गया माइनस 2√5k माइनस 2√5k, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस 4 इंटू में ए का वैल्यू के है, इंटू सी, सी का वैल्यू 10 है। अब क्या होगा, देखिए माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, सॉरी पहले हम लोग यहाँ रफ में सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस कभी भी स्क्वायर में हो तो माइनस हट जाता है, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू, और रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, तो 4 को 5 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, और के स्क्वायर का के स्क्वायर होगा, माइनस 10 को 4 से इंटू करेंगे तो 40 होगा, 40 को के से इंटू करेंगे तो 40k हो जाएगा। तो ये हो गया 20k स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस में 40k इधर आया तो प्लस में 40k हो गया। अब क्या करेंगे, देखें यहाँ पर 20 इंटू के का पावर 2 है तो हम लोग k को दो बार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में, k इंटू के, क्योंकि k इंटू के को मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर आएगा, इक्वल टू 40 को हम लोग लिख सकते हैं 40 इंटू में k। अब k से k कट गया तो क्या बचा, k इक्वल टू 40, और ये 20 कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा, 22 जा 40, तो k का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। k का वैल्यू कितना आ गया आपका, 2 आ गया। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो,
और करके k का वैल्यू जीरो भी आ सकता है। आपको क्या निकालना है, नेचर ऑफ रूट आपको क्या बोला था यहाँ पर, नेचर ऑफ रूट जो है क्वेश्चन नंबर 5 में रियल और इक्वल बोला था। तो k का अगर आप देखें, k का वैल्यू 2 आया या फिर k का वैल्यू आप जीरो भी पुट कर सकते हो। अगर हम इस इक्वेशन में k का वैल्यू को 2 पुट करते हैं तो आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो है वो डी के या जीरो के इक्वल आ जाएगा। आप पुट करके देख भी सकते हो आपका के का वैल्यू कितना आया है, यहाँ 2 आया है। जब हम यहाँ के का वैल्यू 2 पुट करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला से, तो डी का वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल आ जाएगा। तभी आपका नेचर ऑफ रूट क्या बनेगा, रियल और इक्वल बनेगा। तो आपको के का वैल्यू फाइंड करना था, जो कि आपका आंसर आ चुका है, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ऐसा आप करके देख सकते हो। तो हमको के का वैल्यू फाइंड करना था, तो के का वैल्यू आपका आ गया 2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो आई होप कि आपको पांचों का पांचों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।